ಬರುಂದುರುತ್ತಮೂರ್ತ ಶೃಣ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತರೈ ವೇದೈ ಸಾಮಗಪ್ರಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈರ್ಗಾಯಂತಿ ಅಂಸಾಮಗಾ ಧ್ಯಾನಾವಷ್ಟಿ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಯಶ್ಯಾಂತಂ ನ ವಿದುಃ ಸುರಾ ಸುರಗಣಾ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಧ್ಯಾನಮೂಲಂ ಗುರುರ್ಮೂರ್ತಿ, ಪೂಜಾಮೂಲಂ ಗುರುಪದಂ, ಮಂತ್ರಮೂಲಂ ಗುರುರ್ವಾಕ್ಯಂ, ಮೋಕ್ಷಮೂಲಂ ಗುರುಕೃಪಾ. ಬೋಲಿಯ ಪ್ರೇಮ ಸೇ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ಕೃಪಾ ಶಾಂತಿ ಬನ್ನೈ ರಖೇ. ಬಚ್ಚೆ ಲೋಗ್ ಕುಲಾಲ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ, ಶಾಂತ ಕರೇ. ಅಭಕ್ತ ರೂಪ ಮೇ ಅನಂತ ಶ್ರೀ ವಿಭೂಷಿತ ತ್ರೈಲೋಕ ಪಾವನ ವಿಶ್ವಬಂಧು ಜಗದಾಧಾರ ವಿಶ್ವವಿ ಸದಿಕ ಜಾಜೋಲಿಮಾನ್ ಪ್ರಚಂಡ ಮಾತಂಡ ಸಂತ ಸದ್ಗುರು ಮಹರ್ಷಿ ಮೇಹಿ ಪರಮಹಂಸಿ ಮಹಾರಾಜ ತ್ರೈಲೋಕ ಪಾವನ್ ಪಾಕ್ಪದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವನ್ ಮಂಚಪದ ವಿರಾಜಮಾನ ಹಮಾರೇ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಹಂಸಿ ಮಹಾರಾಜ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ನಮನ್. ಹಮಾರೇ ಪರಮಾದರಣೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ನರೇಂದ್ರ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಔರ್ ಹಮಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಕಲ್ ದೇವ್ ಬಾಬಾ, ಸಂತೋ ಕೋ ಭೀ ಪಾವನ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಮಧುಮಂಗಲ್ಮಯ ಸಾಧು ಸಮಾಜ್ ತಥಾ ಹಮಾರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿ ಪರಮ ವಿದ್ವಾನ್ ಹಮಾರೆ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ ಅನಂದನ್ ಬಾಬು ಔರ್ ಹಮಾರೆ ಅರುಣ್ ಬಾಬು, ಹಮಾರೆ ಸಭಿ ಯುವಕನ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗನ್, ಸತ್ಸಂಗ ಪ್ರೇಮಿ ಸಜ್ಜನೋ, ಭಕ್ತಿಮತಿ ಮಾತಾವೋ ಎವಂ ಬಹನೋ, ಸತ್ಸಂಗ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗಾ ಮೇ ಗೋತ ಲಗಾತೆ ಹುಯೆ ಸಭಿ ಗುರು ಭಕ್ತೋ ಕಾ ಮೈ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಔರ್ ಸಬೋಕೋ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ್ ಕರ್ತಾ ಹೂ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ಅಭಿ ಆಪ್ ಲೋಗೋ ನೇ ಗ್ರಂಥ ಪಾಠ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇ ಕರ್ಮ ಫಲ ಸುನ್ ರಹೇ ಥೆ. ಸಂಸಾರ ಮೇ ಹರ್ ಪ್ರಾಣಿ ಕರ್ಮ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೈ, ಕಿಂತು ಫಲ ಭೋಗನೆ ಮೇ ಪರತಂತ್ರ ಹೈ. ಕುಚ್ ಕರ್ಮ ಐಸೆ ಹೋತೆ ಹೈ ಜಿಸ್ಕಾ ಫಲ ಹಮೇ ತುರಂತ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ, ಕುಚ್ ಕರ್ಮ ಐಸೆ ಹೋತೆ ಹೈ ಜಿಸ್ಕಾ ಫಲ ಕುಚ್ ವರ್ಷೋ ಕೆ ಬಾದ್ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ, ಔರ್ ಕುಚ್ ಕರ್ಮ ಐಸಾ ಭಿ ಹೈ ಜಿಸ್ಕಾ ಫಲ ಬಹುತ್ ಬಾದ್ ಮೇ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ, ಯಾನಿ ಇಸ್ ಜೀವನ್ ಮೇ ನಹೀ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ, ಅಗಲೆ ಜೀವನ್ ಮೇ ಭಿ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ. आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है. देखिए घड़ी है, ठीक है ना, तो घड़ी में रोज आप चाबी भरते हैं. जब घड़ी में चाबी लगाते हैं तो 24 घंटे तक घड़ी सही चलती है. चाबी लगाते हैं 1 सेकंड और घड़ी चलती है 24 घंटा. ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी शुभ और अशुभ कर्म जो भी करते हैं अनंत गुना फल देता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो. कर्म फल सबको भोगना पड़ता है. अभी हमारे स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से सुन रहे थे. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो अवतारी महापुरुष थे, उनको भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा. क्या कर्म हो गया था उनसे, बाली को छिप करके मार दिया. उसका परिणाम हुआ भगवान श्री राम कृष्ण के रूप में आए और व्याधा बनकर के आया और बदला लिया.
जब कर्म का फल भगवान को ही भोगना पड़ता है तो हमें भी कर्म का फल भोगना पड़ेगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान ही थे, अवतारी महापुरुष थे, कर्म किए थे त्रेता ने, आप फल भोगना पड़ा द्वापर में। आप देखिए कर्म कितना समय पीछा किया, आप जानते हैं त्रेता की आयु कितनी है? 12,96,000 वर्ष। और द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। इतना वर्षों का अंतराल है, पीछा किया कर्म। भगवान से कर्म सड़ जाता गल जाता, लेकिन कर्म न तो सड़ा न तो गला, पीछा करके बदला ले लिया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म गति टारे नाही टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सूद के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को, मन में विपद पड़ी, कर्म गति टारे नाही टरी। भगवान श्री राम का वनवास हो गया, भरत जी महाराज बड़े दुखी हो गए, वशिष्ठ जी समझा रहे अनर्थ हो गया, राजदशरथ अपना शरीर छोड़ दिए, तीनों माताएं विधवा हो गई। वशिष्ठ जी समझाते हैं, सुनो प्रभुनाथ भावी प्रबन बिलख कहो रघुनाथ मुनिनाथ आन लाभ जीवन मरना जस अप जस विधि हाथ। भाई जस अप जस विधि के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में। संसार में कर्म का फल हर को भोगना पड़ता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों खड़े हैं। भगवान कहते हैं ये देखो विश्व पितामह है जो अग्नि बाण की वर्षा कर रहे हैं, बाण चलाओ। अर्जुन बोलता है भगवान ये हमारे दादाश्री है, ये द्रोण है, इन पर बाण चलाओ, ये हमारे गुरुदेव हैं, इन्होंने मुझे धनुष विद्या सिखाई है, ये हमारे बंधु बांधव हैं, इनको कैसे मारेंगे, हम भिक्षा मांग करके जीवन बिता लेंगे, लेकिन हम इन पर बाण नहीं चलाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप लोग अलग अर्जुन बोलता है प्रभु हमें निश्चित रूप में बताइए हम क्या करें, हमारे समझ में बात नहीं आ रही है, मैं चौराहे पर खड़ा हूं। जायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मानि जूझ केशव। एक केशव हमारी बुद्धि चकरा रही है, क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं किन कर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूं। आप निश्चित करके हमारे कल्याणकारी, हमारे लिए जो कल्याणकारी हो वही बताइए। तो भगवान ने क्या कहा, लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानः ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। आप देखो अर्जुन दो प्रकार की निष्ठा है, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो श्रवण मनन निधि ध्यासन और अनुभव के माध्यम से क्या करते हैं, ज्ञान को प्राप्त होते हैं। और जो योगी लोग होते हैं वो कर्म के फल को भगवान को समर्पण करते हैं और निष्काम भाव से जीवन बिताते हैं। एक व्यक्ति अमेरिका से आ रहा था प्लेन से, तो अमेरिका से बहुत तरह का फूल का बीज लिया था, अपने झोली में भर लिया। जब अमेरिका की सीमा को पार करके भारत की सीमा गंगा जी के किनारे आया तब फूल का बीज छिड़कने लगा। बहुत लोगों ने पूछा भाई आप कहां से आ रहे हो, तो अमेरिका से।
तो कहा अमेरिका से चलने पर बहुत सारे देश आया, लंदन भी आया, ब्रिटेन भी आया, कैलिफोर्निया भी आया, लेकिन वहां तूने बीज नहीं छिड़का। तू भारत की सीमा में गंगा जी किनारे बीज क्यों छिड़क रहा है? तो उन्होंने कहा हमारे देश में इस प्रकार के बहुत सारे फूल हैं। भारत ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ गंगा जी बहती है, गंगा जी के किनारे ऋषि मुनि का वास होता है, भगवान का भजन करते हैं। अगर ऐसे स्थानों में मैं बीज छिड़क दूंगा, इससे जो फूल उत्पन्न होंगे वो भगवान पर पड़ जाए, चल जाएगा, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। किसी भिखारी को हम कुछ दे देते हैं तो उससे हमारे कुछ आशा नहीं होती है, होती है? तो भिखारी की सेवा निष्काम सेवा है, सत्संग की सेवा निष्काम सेवा है, सकाम कर्म होता है और निष्काम कर्म होता है। भगवान कहते दो तरह का कर्म होता है, सकाम कर्म हमें बांधती है और निष्काम कर्म हमें छुड़ाती है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगना पड़ता है। आप पहाड़ की गुफा में चले जाए, हिमालय में, अब गुफा में जाकर चिल्लाए तो आवाज टकरा करके आपके पास आएगी। सर आइज़क न्यूटन कहते हैं एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मैं आपको बाइबल की बात सुनाता हूं। हम जो कर्म करते हैं उसका फल जो भोगना पड़ता है, कर्म के फल से कैसे बचेंगे? उपनिषद में आया है यदि शैल समम पापम विस्तृत न हो योजना तो वृत्त ध्यान योगे ने नान्यो भेद कराए चला। यदि पूर्वजनों का पाप पहाड़ के समान भी हो तो ध्यान योग करने से नष्ट हो जाता है। सेंट जॉन ने कहा द लाइट ऑफ द बॉडी इज दाय देयर फोर वेन दाय योर आई सिंगल योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट बट वेन योर आईज विल योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ डार्कनेस। यदि तुम्हारी दृष्टि की धार एक होगी तो तुम्हारा संपूर्ण शरीर उजियारा होगा, लेकिन तुम्हारी आंख यदि बुरी होगी तो तुम्हारा पूरा जीवन अंधकारमय होगा। हमारा जीवन पूरा प्रकाश से भर जाए इसके लिए साधना करने की जरूरत है। कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देह समैया में करू परमेश्वर में प्यार। अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हुआ, एक बहुत बड़ा रोलर था, रोलर समझते हैं, बहुत मोटा, यानी समझ लीजिए कि 200 मीटर गोलाकार रोलर था। उसको काटना था तो उस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े देशों से लोग आए हुए थे, अमेरिका, जापान, चाइना, रशिया, सभी से आए थे वैज्ञानिक लोग। अमेरिका ने कहा मैं इस रोलर को काटूंगा, बोला ठीक है काटो, अपना मशीन भुला दिया और रोलर नहीं कट पाया। जापान ने कहा मैं काटूंगा, बोला काटो, उसका मशीन भी फेल मार गया। रशिया ने भी अपना मशीन लगाया, उसका मशीन भी फेल कर गया। इस तरह से चाइना, बर्मा, सब देश के इंजीनियर आए, अंत में भारत का जो इंजीनियर था उन्होंने कहा मैं काटूंगा, बोले ठीक है काटो। वो किसी संत का शिष्य था, योगी था, वो रोलर के सामने खंभा के सामने बैठ गया और अपने दृष्टि के चेतन धार उस खंभा के बीच में लगाया और देखते ही देखते खंभा में अग्नि प्रकट हो गई और देखते देखते खंभा कट करके गिर गया। देखिए चश्मा होता है ना, चश्मा
चश्मा में भी पावर होता है, बेसी पावर का जो चश्मा होता है लोग उसे सिगरेट सुलगा लेते हैं। किरण को एक जगह एकत्रित करने से अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, चन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर। अरे योगी ही था, योगी के लिए कुछ कठिन है? योगी के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, योगी तो मुर्दा को भी जिंदा कर सकता है, मुर्दा को भी जिंदा करते हैं योगी लोग। हमारे गुरु महाराज जी के सत्संग करने के लिए गए थे, एक व्यक्ति ने सत्संग लिया था गुरु महाराज से और उसका बेटा बीमार हो गया। जब उसका बेटा बीमार हो गया तो लोगों ने कहा कि आप सत्संग क्या कराओगे, तुम्हारा एक ही बेटा है बीमार है, ले गया भेलौर, वहां से इलाज करा के आया, डॉक्टर बोल दिया था देखो ये बचेगा नहीं, घर लेकर के आ गया, दो चार दिन रहेगा, इसकी सेवा कर लो। एक दिन ऐसा हुआ कि बेटा मर गया, अब सत्संग का समय भी पास आ गया, लोगों ने कहा सत्संग तुम क्या कराओगे, सत्संग छोड़ दो। पुकारना ही नहीं, नहीं, जीवन में सुख दुख आते रहता है, लेकिन एक अच्छा मौका मिला है कि हमारे गुरु महाराज हमारे घर में सत्संग करने के लिए आ रहे हैं, तो सत्संग को हम नहीं टालेंगे। सत्संग भी होगा, बेटा मर गया तो मर गया, लेकिन सत्संग भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो सत्संग के लिए लोगों ने बार बार मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सत्संग कराऊंगा ही, और सत्संग कराया। गुरु महाराज और उनके साथ साधु महात्मा आए, माता पिता बगल में ही बैठे हुए थे, वो बहुत उदास थे, उनकी आंख से आंसू टपक रहा था। एक जमींदार साहब बैठे हुए थे, वो कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं सत्संग में मन नहीं लगता तो सत्संग क्यों लिया था। तो एक जमींदार साहब कहते हैं बाबा इसको एक ही बेटा था सो मर गया है। बोला बेटा मर गया? बोला हाँ। इसके घर में एक ही दिया था सो बुझ गया, क्या आप जला सकते हो? गुरु महाराज गंभीर हो गए, बोले कहाँ बेटा है दिखाओ तो। गुरु महाराज चले गए, कमरा खोला, अंदर चले गए, गुरु महाराज के हाथ में फूल थी। गुरु महाराज ने कहा कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाया, गुरु महाराज उसके छाती पर फूल रख दिए, बोले ए फलाना उठो, और वो लड़का उठ करके बैठ गया। एक उदाहरण नहीं, हमारे स्वामी प्रमोद जी महाराज अनेकों उदाहरण बताएंगे, कितना सस्मरण गुरु महाराज कैसा है, जो मुर्दा को भी जिंदा कर देते हैं। संत एक ही बात है जीवन में, प्रकाश और शब्द दो चीजें हैं, ये प्रकाश और शब्द दो परमात्मा के हाथ है। अगर परमात्मा अपने दोनों हाथ से अपने भक्त को पकड़ लेता है तो संसार में गिरने का डर नहीं रहता है। इसलिए प्रकाश शब्द को हम पकड़े और हम परमात्मा की गोद में चले जाते हैं। तो कर्म के फल पर एक उदाहरण में देना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिए। बाबा अर्जुन देव जी महाराज थे, बाबा अर्जुन देव जी महाराज अमृतसर में सत्संग किया करते थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, महीनों महीनों सत्संग चलता था, सत्संगी भाई अपने अपने घरों में सत्संग करवाते थे और भोजन कराने के लिए अपने अपने घरों में ले जाते थे। एक बहुत गरीब सत्संगी था जिसका नाम था सम्मन और भूषण, सम्मन और भूषण, बाप का नाम सम्मन था, बेटा का नाम भूषण था। उन्होंने सोचा कि गुरु महाराज सबके घर में सत्संग करने के लिए जाते हैं, हमारे घर में नहीं आते हैं क्योंकि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं इसलिए गुरु महाराज हमारे घर में नहीं आते। कहा गया है घटकी जाने सब गुरु कहां छिपावे हम। संत की दिव्य दृष्टि खुली होती है और वो सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी होते हैं। बाबा अर्जुन देव जी महाराज सब जान गए, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं तुम्हारे घर में सत्संग करने के लिए आऊंगा फलाने दिन। वो नाचने लगा, वो घर में जाकर भी बहुत प्रसन्न था और दोनों बाप बेटा नाच रहा था।
उनकी पत्नी कहती है नाचते क्यों हो, बड़ा नाचू नहीं तो क्या करूं, बोले क्या हुआ, क्या मिल गया, कहा कि हमारे घर में गुरु महाराज आएंगे सत्संग करने के लिए। तो वहां घर में गुरु महाराज आएंगे व्यवस्था क्या की हो, व्यवस्था तो कुछ नहीं, खाने पीने का है। एक कहावत है, घर में भूनी भांग ने अड्डेउड़ी पर नाच, और घर में खाने को तो कुछ नहीं है अड्डेउड़ी पर नाच, पहले व्यवस्था तो कर लो। जानते क्या बोलता है, हमारे गुरु महाराज आएंगे ना तो व्यवस्था को साथ लेकर के आएंगे, आपको कुछ व्यवस्था नहीं करनी है। दोनों बाप बेटा विचार करता है कि क्या करें, गुरु महाराज आएंगे अब व्यवस्था कुछ नहीं है। दोनों बाप बेटा चला गया किसी साहूकार के पास कि कुछ उधार पैसा मांग लेंगे, बाद में मजदूर तो था ही, मजदूरी करके चुका देंगे। साहूकार के पास गया तो वो मुंह देखने लगा, बोला आज हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, कुछ दे दो सामान पैसा, बाद में चुका दूंगा मजदूरी करके। जो माताएं पीछे आती है आगे आने की कोशिश नहीं करे, पीछे में ही बैठे, निकला जहां जगह मिले वही बैठना चाहिए। आप लोग क्या सुन रहे थे, हाँ साहूकार कह गए, साहूकार ने पैसा नहीं दिया, ये बहुत गरीब आदमी है पैसा कहां से देगा, बेचारा बहुत परेशान हो गया क्या करूं। तो बाप बेटा ने सोचा कि गुरु की सेवा तो करनी ही है, सत्संग तो कराना ही है, चाहे जो भी हो जाए, चलो एक साहूकार के घर में चोरी करके ले आएंगे और फिर बाद में पहुंचा देंगे, चोरी करके ले आएंगे बाद में फिर पहुंचा देंगे। तो पुराना जमाना था, संत मारता था, दीवार तोड़ करके अंदर घुस गया और अंदर से कुछ चावल दाल तेल मसाला निकल लिया और लेकर के बाहर निकल गया, लेकिन नमक लाना भूल गया। बोला अरे सब कुछ ले आए, नमक तो लाया नहीं, तो नमक लाने के लिए फिर चला गया। अब सेठ जग गया था और जैसे वो निकल रहा था, भूषण अंदर में घुसा था तो भूषण का पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ के खींचने लगा, चोर चोर करके हल्ला किया, चोर चोर करके जब हल्ला किया, संबंध इधर खींचे और सेठ उधर खींचे, उन्होंने क्या किया, तलवार से उसका सिर काट दिया। जब सिर काट दिया तो पहले सिर नहीं काटा, प्रसंग ऐसा है जब पकड़ लिया तो उसका जो बेटा था भूषण, उन्होंने कहा पिताजी देखो हम लोग अर्जुन देव जी महाराज के शिष्य हैं, हमारे गुरु महाराज की बड़ी ख्याति दुनिया में है, लोग क्या कहेंगे, अर्जुन देव जी का चेला चोर चोरी करने के लिए आया था, इसलिए पिताजी हमारा गर्दन आप काट दीजिए, अरे सिर रहेगा तभी ना पहुंचा देंगे, हमारा गर्दन काट दीजिए आप, तो लोग पहुंचाने गए नहीं। कहा नहीं बेटा मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो हमारे बेटा है, ये काम हमसे नहीं होगा। उन्होंने कहा पिताजी कृति अस्य सजीवति, संसार में वही जीवित है जिसका नाम है, जिसकी ख्याति है, जिसका नाम और ख्याति नहीं है वो मरा हुआ है, इसलिए आप ऐसा कीजिए। समझ गया संबंध, तलवार लिया और उसका सिर काट दिया, सिर लेकर के भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, जाकर के छिपा दिया। अब इन्होंने सोचा भाई कौन आदमी था, काबो खा इसका मर्डर हो गया। अब जिधर वो सिर रखा था वहीं पर जाकर संजोग से डेड बॉडी को भी फेंक दिया। अर्जुन देव जी महाराज सत्संग कर रहे हैं, सत्संग हो रहा है, उसके पिताजी संबंध बैठा हुआ है,
इधर भोजन की सारी व्यवस्था हो रही है। बाबा अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, सम्मान तुम्हारा बेटा भूषण दिखाई नहीं पड़ता है, भूषण को बुलाओ। सम्मान बोलता है, गुरुदेव अब वो नहीं आ सकता है, वो कभी नहीं आएगा, बहुत दूर चला गया। गुरुदेव कहते हैं, नहीं तो बुलाओ ना, वो जरूर आएगा। जैसे ही बुलाता है, बेटा भूषण जल्दी से आओ, गुरु महाराज बुला रहे हैं, बस सीधा और धड़ दोनों जुड़ जाता है और आकर के गुरु महाराज को प्रणाम करता है। देखिए संत लोग जो है कर्म फल को भी काटते हैं, कर्म के फल को संत ही काट सकते हैं। कर्म गटिटारे नाही तरी, मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को मरने की विपत्ति पड़ी। संत कर्म फल को काट देते हैं। भगवान कृष्ण कहते, कर्म देवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू मास्तु संगस्तु कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हें मात्र कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। जैसा तुम कर्म करोगे उसका फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। महाभारत अयुद्ध में एक प्रसंग आता है, इसको कहकर के वाणी को विराम देता हूं। एक बार राजा परीक्षित का बेटा का नाम जनमेजय था। महाभारत की कथा सुनने के लिए जाता था वेदव्यास जी के पास जनमेजय। तो जनमेजय ने जिज्ञासा किया कि भगवान आप ये बताएं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ इसका कारण कौन था। बोला, ये तो ऐसा कर्म ही था, ऐसा बन गया, समय आया, परिस्थिति बनी कि महाभारत का युद्ध हुआ। अतः नहीं, ये युद्ध कराने वाला श्री कृष्ण था, अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। वो शांति दूत बन करके भी गए थे, वो भगवान थे, तो क्या कौरवों को नहीं समझा पाए। ये युद्ध कराने वाले भगवान श्री कृष्ण था। वेद व्यास जी ने कहा, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं थी, भगवान कृष्ण तो समझाए, शांति दूत बन करके गए लेकिन नहीं माना। उन्होंने कहा, महाभारत के युद्ध में भीम इतना बलवान था, भीम और दुर्योधन से जब टक्कर हुआ तो बतलाते हैं भीम ने दुर्योधन के हाथी का पूंछ पकड़कर घुमा दिया था और इतने जोर से घुमाकर फेंका कि आसमान में अभी भी हाथी घूम रहा है। महाराज, सफेद झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सफेद झूठ है। हम मूर्ख, ये सफेद झूठ नहीं, बिल्कुल सत्य है, हमारा धर्म ग्रंथ बिल्कुल सत्य है, हमारा धर्म ग्रंथ झूठ नहीं है। कहा, तुम्हें विश्वास नहीं तो बैठो। बैठा दिया, बहुत जोर से हाथी को चिखाड़ की आवाज सुनाने लगी और टपाटप खून की बूंद गिरने लगा। बोला, देख तू भी नहीं माना। बोला, मैं इसे नहीं मानूंगा, महाभारत का युद्ध कराने वाला भगवान श्री कृष्ण ही था। तब महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते, सुनो, मैं तुम्हारा कर्मफल तुम्हें बता रहा हूं, तुम बच जाना तो मैं जानूंगा। आ देखो, तुम श्याम हिरणी को के पीछे मत दौड़ना, दौड़ भी जाना तो उस पर बाण नहीं चलाना, दौड़ना भी तो दक्षिण दिशा की तरफ मत दौड़ना। लेकिन तुम बाण भी चलाओगे और दक्षिण दिशा की तरफ भी दौड़ोगे, लेकिन मैं तुमको मना कर रहा हूं। चलो बाण चला भी देना तो उससे पेट को मत चीरना,
उसके पेट से कन्या निकलेगी, उससे तुम विवाह नहीं करना, लेकिन तुम्हारा कर्म फल बता रहा है तो विवाह भी करेगा, तो विवाह भी करेगा। और विवाह कर भी लेना तो तुम यज्ञ मत कराना, और यज्ञ में जवान ब्राह्मणों को मत बुलाना, बुड्ढों को बुलाना, लेकिन तुम जवान ब्राह्मणों को बुलाएगा तुम उल्टा पुल्टा वस्त्र पहने रहोगे, तुम्हारे उल्टा पुल्टा वस्त्र को देख करके ब्राह्मणों को हंसी आ जाएगी, तुम बाल लेकर के मारने के लिए दौड़ोगे, वो तपस्वी ब्राह्मण तुम्हें साफ दे देगा, तुम्हारे संपूर्ण शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा, और उस रोग के निवारण के लिए तुम वैशंपायन मुनि के पास जाओगे। वैशंपायन मुनि 18 काले कपड़े पहना करके तुम्हें अनुष्ठान कराएंगे, एक एक दिन के अनुष्ठान में तुम्हारे एक एक अंग का कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा दाहिना अंगूठा का जो कुष्ठ रोग कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म का फल था। जन्म जय कर्म का फल हर को भोगना पड़ता है। हमारे विद्वान संचालक महोदय कह रहे थे अवश्य में भुक्त जब कृतम कर्म फल शुभ शुभ, कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, इसलिए सबको शुभ कर्म करना चाहिए, और कर्म को जलाना है, कर्म को समाप्त करना है तो ध्यान योग करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजनों को प्रणाम करता हुआ, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिल्कुल।